हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वेस्टर्न मॉडर्न मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है विंड रिवर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2017 में एंड दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय टेलर शेरिडन। IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पे इसका स्कोर है 87% और 89% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये फिल्म शुरू होती है एक काफी कोल्ड एंड आइसोलेटेड प्लेस से, वोमिंग वाइल्डरनेस। वोमिंग एक ऐसी जगह है जहां मैक्सिमम समय, स्पेशली सर्दियों में, तो टेम्परेचर बिलो एवरेज ही रहता है। इस कारण के वजह से यहां पर ज्यादा लोग भी नहीं रहते। आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और जंगली जानवरों का आना जाना लगा ही रहता है। तो ऐसी एक जगह में देर रात हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थी, रो रही थी और बार बार पीछे मुड़कर दिख रही थी। उसके पीछे तो हमें कोई नहीं दिखता, मगर जरूर वो किसी से जान बचाकर भाग रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घाव गहरा था। मगर कब तक वो ऐसे बर्फ के ऊपर से भाग सकती है, वो भी नंगे पाँव। नेक्स्ट सीन में हम एक शिकारी को देखते हैं जो विंड रिवर इंडियन रिजर्वेशन में काम करता है। इसका नाम है कोडी लैम्बर्ट और ये है हमारे इस फिल्म का मेन कैरेक्टर। वो इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहा है, इस जगह का हर कोना उसे पता है और शिकारी है तो जंगली जानवरों की फुटप्रिंट्स ट्रैक करना भी उसे आता है। तो ऐसे ही एक दिन जब वो शिकार पर निकला तो कुछ फुटप्रिंट्स, मतलब जानवरों के फुटप्रिंट्स ट्रैक करते करते उसे इंसान के फुटप्रिंट्स मिलने लगी। काफी हैवी इंप्रेशंस थे, एज इफ यहाँ पर से कोई भाग कर गया होगा। वो उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और उसे एक लड़की की लाश मिलती है और ये वही लड़की थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। कोडी नोटिस करता है उसके शरीर पे कुछ खास विंटर क्लोथिंग नहीं है, बहुत ही साधारण सा कपड़ा है। ना इसने ग्लव्स पहनी है ना जूता। उसके हाथ और पैरों में फ्रॉस्ट बाइट का निशान प्रोमिनेंट है। उसके माथे पर एक गहरा घाव है और उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हुआ है। उसका शरीर ठंड में जम चुका है, मगर फिर भी पहली नजर में ही कोरी उसे पहचान लेता है। ये नैटली है, उसके दोस्त मार्टिन की बेटी, नैटली हैंसन। इमीडिएटली कोरी इस क्राइम को रिपोर्ट करता है। ट्राइबल पुलिस चीफ बेन उसका दोस्त ही है और वो इन्फॉर्म करते हैं FBI में। समय बीतता जा रहा था, बर्फ का तूफान भी शुरू हो चुका था, फुटप्रिंट्स मिट सकते थे, मगर फिर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए उन्हें FBI की परमिशन की तो जरूरत है ही। कुछ समय बाद एक FBI एजेंट जेन आ पहुंचती है तो कोडी बेन और जेन को लेकर जाते हैं नैटली के लाश के पास। लाश की हालत देखकर जेन को लगता है मे बी ये कोई मर्डर है, मगर कोडी कहता है यहाँ पर और किसी की फुटप्रिंट्स नहीं थी, ना कोई ट्रैक। नैटली को घाव तो जरूर और किसी ने दिया था, मगर उसकी मौत ठंड के वजह से ही हुई है। He is quite sure about that. मगर नैटली इस सुनसान इलाके में कहां से भाग कर आ रही थी? इस जगह से सबसे करीब लिटिल फीडर हाउस है, लेकिन वो भी 3.5 माइल्स दूर। उसके आगे एक ड्रिलिंग कंपनी का प्राइवेट साइट है, वर्कर्स के लिए मेकशिफ्ट घर है, मतलब कुछ ट्रेलर्स है, मगर वो तो ज्यादा समय बंद ही रहता है। पता नहीं कैसे बट कोडी बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा था नैटली को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था। शी वॉज अ फाइटर। वो जरूर बहुत देर से भाग कर आ रही थी, बहुत देर तक इस कंडीशन में रहने के कारण ही, सांस लेने के कारण ही उसकी मौत हुई है। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उससे पता चलता है नैटली को कई आदमियों ने मिलकर रेप किया था। जरूर उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की होगी, उसी के कारण उसके शरीर पे इतने सारे घाव है, मगर उसके मौत का कारण पल्मोनरी हेमरेज है। मतलब कोडी बिल्कुल सच कह रहा था, मतलब इसे मर्डर तो नहीं कहा जा सकता। तो फिर FBI की तरफ से कोई केस भी नहीं बनता, मगर जेन को जानना था एक्चुअली इस टीनेज लड़की के साथ हुआ क्या था। तो वो कोरी से मदद मांगती है और नैटली के पेरेंट्स से मिलने जाती है। जेन को तो बस इतना पता चला कि नैटली इन दिनों एक बंदे को डेट कर रही थी, मगर ये न्यू बॉयफ्रेंड कौन है उसके बारे में नैटली के पिता मार्टिन को कुछ खास नहीं पता। जेन के साथ कोरी भी वहां पर गया था। तो मार्टिन और कोरी के बीच कुछ बहुत ही पर्सनल बातचीत होती है। हमें पता चलता है कोरी की भी एक बेटी थी एमिली, जिसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी है। मतलब इन दोनों ने ही अपने बेटी को खोया है। ऐसे समय एक पिता ही दूसरे पिता के भावनाओं को समझ सकते हैं। मार्टिन कोरी से रिक्वेस्ट करता है जिस किसी ने भी उनके बेटी के साथ ये सब किया है उसे ढूंढ निकालने के लिए और ऑन द स्पॉट उसे मार डालने के लिए।
जो कोरी करने के लिए राजी भी हो जाता है। वो प्रॉमिस करता है क्योंकि उसे भी पता है कानून यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे एक्सट्रीम वेदर में सबूत मिटाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। कानून की आंखों में धूल झोंकना बहुत इजी हो जाता है, मगर एक शिकारी के आंखों में नहीं। मार्टिन से कोडी को पता चलता है उनके बेटे के बारे में, जो अभी लिटिल फीदर वालों के साथ रह रहा है। वो घर असल में एक ड्रग डेन है। उनके बेटे को भी ड्रग की लत लग चुकी है, तो अभी वो अपने परिवार को छोड़कर उसी घर को अपना दुनिया बना लिया है। मगर हो सकता है उसे अपने बहन के इस न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता हो, या फिर उस लिटिल फीदर वालों को ही इस खून के बारे में सब कुछ पता हो। कोड़ी तो वैसे ही उस घर में विजिट करने वाला था। क्राइम स्पॉट्स के आसपास सभी जगहों में वो जाने वाला था, तो वो उसी दिन बेन और जेन को लेकर उस घर में जा पहुंचता है। उन्हें देखकर उस घर के ओनर सैम को लगता है वो लोग उसे ही पकड़ने आए हैं, तो इनिशियली वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, उनके फेस पर स्प्रे कर देता है और हाथापाई भी होती है। इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें पता चलता है इन लोगों को नेटली के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता। इवन नेटली के भाई को तो ये तक नहीं पता कि उसकी बहन मर चुकी है। मगर उससे कोड़ी को नेटली के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है। उसका नाम है मैट और वो लोकल ड्रिलिंग साइट में काम करता है। उधर जेन और बेन जब अंदर उन्हें इंटेरोगेट कर रहे थे, ठीक उसी समय बाहर कोड़ी को इस घर के सामने से एक ट्रैक पहाड़ी के उस तरफ जाते हुए दिखाई देता है। मतलब किसी ने स्नोमोबाइल से उस तरफ गया था, मगर उसके लौटने का कोई भी निशान नहीं है। जेन से कहने पर वो दोनों उसी वक्त उस ट्रैक को फॉलो करते हैं और उन्हें वहां पर और एक लाश मिलती है, जिसका आधा शरीर बर्फ के नीचे दबा हुआ था, आधा ऊपर था, जिसे जंगली जानवरों ने नोच नोच कर खाए हैं। उसे आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल हो रहा था, मगर एक बात श्योरली पता चल रहा था कि ये एक खून ही है। शरीर में कई सारे घाव है, तो क्या ये दोनों केसेस जुड़े हुए हैं? जेन समझ चुकी थी इन केसेस को सॉल्व करने के लिए उसे कोड़ी की मदद की सख्त जरूरत है, तो वो उसके घर जाती है उससे बात करने के लिए। भले ही वो पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता, मगर एक शिकारी की नजर वो सब कुछ देख पा रही थी जो पुलिस होकर भी जेन को दिखाई नहीं दे रहा था। मगर वो इन केसेस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा था? मार्टिन उसका दोस्त है सिर्फ इसीलिए? शायद नहीं। उसके घर में जेन को एक लड़की की तस्वीर हर जगह दिखती है। ये एमली की है, कोड़ी की बेटी। कोड़ी से पूछने पर उसे पता चलता है 3 साल पहले एक रात वो और उसकी पत्नी जब बाहर गए हुए थे, घर खाली पाकर एमली ने अपने दोस्तों को बुला लिया, पार्टी शुरू हो गई, मगर उसके बाद एमली जैसे गायब ही हो गई। किसी ने नहीं देखा वो कहाँ गई। नेक्स्ट डे नेटली ने कोड़ी को कॉल करके इन्फॉर्म किया इस बारे में, और ढूंढने पर उसकी लाश मिली घर से 20 माइल दूर। पता नहीं वो वहां पर कैसे पहुंची, उसके साथ क्या हुआ था, ऑटोप्सी से भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला। उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही हुई थी जैसे आज उसकी बेस्ट फ्रेंड नेटली की हुई है, मगर तब भी कोई केस नहीं बना था। दोषियों को सजा तो अभी तक नहीं मिली। कोड़ी चाहे ये बात एक्सेप्ट ना भी करे, मगर नेटली के खूनियों को ढूंढने के मदद से वो अपने बेटी को ही न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे। 3 साल पहले तो उसे नहीं पता चला एमिली को किसने मारा था। अगर अभी भी पता ना चल पाया तो पता नहीं आगे जाकर और कितने सारे ऐसे लड़कियों की जान जाएगी। जेन कोड़ी के भावनाओं को समझ सकती थी। वो उसे प्रॉमिस भी करती है कि इस बार नेटली के दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, तो वो उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। कल वो बेन और कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर इस मैट से मिलने जाएगी। उसका इंट्यूशन कह रहा है इस बॉयफ्रेंड ने ही जरूर कुछ किया है, लेकिन वो चाहती है कोड़ी इस दूसरे खून को ट्रैक करे। आज सुबह जब वो लोग वहां पर गए थे, उन्हें वहां पर ना कोई दूसरा ट्रैक मिला और ना कोई फुटप्रिंट्स, और वहां पर ना कोई स्नोमोबाइल था। जो कोई भी था इस लाश को डंप करने के बाद उसी स्नोमोबाइल से वापस लौट गया होगा, मगर गया तो गया कहां? कोड़ी को वही ढूंढना होगा। सो एज प्लान्ड, सुबह होते ही कोड़ी निकल पड़ता है अपने रास्ते और जेन बेन के साथ साथ और भी कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर जाती है उस ड्रिलिंग साइट में। वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उनकी अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जेन पहले ही अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती। बाकी लोकल पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर वो सिर्फ मैट से मिलने की बात करती है, मगर ये लोग कहते हैं उन्हें तो लगा था ये लोग मैट के बारे में ही जानकारी देने आए हैं, क्योंकि मैट 2 दिन पहले अपने गर्लफ्रेंड मतलब नेटली से झगड़ने के बाद यहाँ से निकला था, अभी तक नहीं लौटा। मतलब ये तो एक और कंफ्यूजन खड़ा हो गया। उन्हें तो लग रहा था मैट ही शायद खूनी है, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद ही गायब है।
लेकिन लगता है यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को नेटली के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। वो लोग कहते हैं उन्हें रेडियो से पता चला है उसकी लाश मिली है, मगर ये कैसे पॉसिबल है? रेडियो में उसका नाम तो कभी बताया ही नहीं गया। पर्सनली जेन ने मना किया था। ठीक उसी वक्त एक ऑफिसर को इन सिक्योरिटी गार्ड्स का चेहरा देखकर अजीब लगता है। सबके फेस पर कुछ ना कुछ चोट का निशान है। पूछने पर वो लोग कहते हैं हेलमेट के बिना काम करते वक्त चोट तो लग ही जाती है, मगर सबके फेस पर एक साथ। बात करते करते अचानक से ही वो लोग वायलेंट हो जाते हैं, ऑफिसर्स को घेर कर बंदूक तान देते हैं। उन्हें शायद लग रहा था उनके जमीन पर आकर ये लोग उन्हें ही थ्रेट दे रहे हैं। मगर तभी जेन अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। वो FBI से है और यहाँ पर उसी की अथॉरिटी सबसे हाईएस्ट है। सबको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वो सबको गांस नीचे करने के लिए कहती है और सब मान भी लेते हैं। जेन को मैट का ट्रेलर देखना था तो वो लोग उसी तरफ जा रहे थे। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हम कोडी को देखते हैं। वो उस लाश के पास तो पहुंच चुका है, वहां पर आसपास जंगल है। तो कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसे एक लंबा सा ट्रैक मिलता है और ये ट्रैक डायरेक्टली उसी ड्रिलिंग साइट की तरफ जा रहा था। कोडी वहां से सब कुछ देख पा रहा था। वो बेन को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है क्योंकि उसे लग रहा था ये सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ ठीक नहीं है। इस मर्डर के साथ हो ना हो उन लोगों का कुछ तो कनेक्शन है। वो बार बार कॉल कर रहा था, वार्न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉन्टेक्टेड ही बन पा रहा था। वो वहां से ही देख पा रहा था कि जेन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, मगर दरवाजा तो अंदर से लॉक्ड है। तो वो नॉक करती है और ठीक इसी पॉइंट पर सीन फ्लैशबैक में जाती है। हमें पता चलता है 2 दिन पहले नेटली यहाँ पर आई थी रात के समय मैट से मिलने। वो लोग जब एक साथ इस ट्रेलर में कुछ प्राइवेट मोमेंट्स बिता रहे थे, ठीक उसी वक्त यही सिक्योरिटी गार्ड्स ड्रंक हालत में उस ट्रेलर में घुस गए थे। नशे में चूर उन लोगों ने नेटली को टीज करना शुरू किया तो मैट भी उनसे लड़ने लगा, मगर अकेला वो इन लोगों से कब तक लड़ पाता? उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। इन लोगों ने मिलकर नेटली का रेप किया। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उस हालत में भी मैट अपनी पूरी कोशिश की। जब सभी लोग उसे मारने में बिजी थे उसी वक्त नेटली वहां से भाग गई क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा था। उसने भी मैट को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर ये लोग तो उसे भी मारने लगे। वहां से निकलकर बर्फ के ऊपर से वो किसी तरह से भागने लगी। ना उसके पास जूते पहनने का समय था, ना विंटर क्लोथ्स का। उस दरिंदों से तो वो बच निकली, मगर इस कोल्डनेस को वो ज्यादा देर तक सही नहीं कर पाई। उधर उन लोगों ने मैट को इतना मारा कि उसकी भी मौत हो गई। कोडी और जेन को वो जो लाश मिली थी वो असल में मैट की ही थी। इन लोगों ने उसे इतने बेरहमी से मारने के बाद उसके लाश को वहां पर फेंक दिया जिससे वो जंगली जानवरों का खाना बन सके। नाउ बैक टू प्रेजेंट, हम देखते हैं जेन ट्रेलर के बाहर खड़ी है। FBI चिल्ला रही है मगर कोई भी दरवाजा ही नहीं खोल रहा। इनफैक्ट ये लोग तो कहते हैं अंदर कोई नहीं है। एग्जैक्टली इसी समय बेन को कोडी का वार्निंग मिलता है। वो जेन को दरवाजे से हटने के लिए कहता है लेकिन शायद लेट हो चुका था। इन लोगों ने तब तक हमला शुरू कर दिया था, खुद भी घायल हुए और सारे ऑफिसर्स को भी मार डाले। अभी सिर्फ जेन ही बची थी और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स। वो लोग जेन को भी मारने ही वाले थे लेकिन तभी अचानक से ही उन्हें कोई शूट करने लगता है। एक के बाद एक 3 गार्ड्स को ही गोली लगी थी। अभी सिर्फ पेट ही बचा था और वो ही इन सब में सबसे ज्यादा गुनहगार है। वो भागने में कामयाब हो जाता है। जेन घायल हो चुकी थी, उसे सेव करता है कोडी और पता चलता है उसने ही लास्ट मोमेंट पर इन गार्ड्स को शूट किया। लेकिन एक तो अभी भी जिंदा है तो जेन कोडी को उसे ढूंढने के लिए कहती है। कोडी एक बहुत ही टैलेंटेड शिकारी की तरह बहुत ही इजीली अपने शिकार को ढूंढ लेता है, मगर मारता नहीं, बस उसे पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे ले जाकर छोड़ देता है और कहता है अगर उसने अपना गुनाह कबूल किया तो वो उसे जाने देगा। पेट कन्फेस करता है कि वो नेटली का रेप किया था और मैट का खून। एंड एज प्रोमिस्ड कोडी उसे छोड़ देता है, मगर जब वो भागने जाता है वो देखता है कोडी ने तो उसके शूज ही ले लिया है। नंगे पाव वो कब तक चल पाएगा? और यही कोडी का बदला था। वो पेट को मारना नहीं चाहता था, वो पेट को वही दर्द देना चाहता था जो नेटली को मिला था। पेट चलना तो शुरू करता है मगर कुछ देर जाते ही नेटली की तरह उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो गुजर जाता है। फाइनल सीन में हम देखते हैं कोडी अपने दोस्त से मिलने गया है। उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, नेटली के गुनहगारों को सजा मिली। अभी मार्टिन जी भर कर रो सकता है। उधर जेन भी हॉस्पिटलाइज्ड है, वो फिजिकली रिकवर तो कर रही है मगर मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए उसे शायद कई दिन लग जाए। दोस्तों ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है।
कहा जाता है ये फिल्म रियल स्टोरी बेस्ड है, लेकिन असल में ये फिल्म किसी पर्टिकुलरली एक इंसिडेंट से नहीं बल्कि कई सारे रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म में वाओमिंग की विंड रिवर रिजर्वेशन की ट्रू नेचर को पोर्ट्रे किया गया है, जहां ऐसी वायलेंस, ड्रग यूज, मर्डर्स बहुत ही आम बात है। इस रिजर्वेशन में क्राइम रेट नेशनल एवरेज से 7 गुना ज्यादा है। मर्डर हिस्ट्री तो काफी लंबा है और ऐसे जगहों में कानून सच में अंधा ही होता है। शायद इसीलिए जेन को इतना बड़ा झटका लगा। वो तो एक सिविलाइज्ड डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, वहाँ सब कुछ नियम के अनुसार चलता है, ऐसे बात बात पर कोई गन पॉइंट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तो बात से पहले गोली चलती है। और एक एस्पेक्ट जो इस फिल्म में बहुत ही क्लियरली पोर्ट्रे किया गया है वो है रेशियल डेंजर। यहाँ पर नेटिव अमेरिकन लड़कियों के ऊपर होने वाले क्राइम्स के बारे में इन्फॉर्म किया गया है हम व्यूअर्स को। नेटली एक नेटिव अमेरिकन थी, इमली भी, क्योंकि कोडी की पत्नी एक नेटिव अमेरिकन है, और इन जैसों पर ही यहाँ पर सबसे ज्यादा क्राइम्स होता है। दुनिया में सभी ग्रुप के मिसिंग रिपोर्ट्स हैं, सिवाय अमेरिकन इंडियन नेटिव वुमेन की। इसे तो कैनेडियन नेशनल क्राइसिस कहा जाता है। पता नहीं साल भर में कितने सारे लड़कियां गायब हो जाती हैं, कितनों का खून होता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। इस फिल्म में इमली के साथ आखिर क्या हुआ था वो एक मिस्ट्री ही रह गई, जैसे रियलिटी में मैक्सिमम नेटिव अमेरिकन लड़कियों के साथ होता है। किसी किसी की लाश तो मिलती है और किसी की तो वो भी नहीं। एमिली को शायद उसके ही घर में पार्टी चलते वक्त किसी ने मॉलेस्ट किया था, मे बी किसी बिनबुलाए मेहमान ने। तो बेचारी 16 साल की एमिली जान बचाने के लिए घर से बाहर भागी, मगर बाहर इस क्रूयल नेचर की वजह से उसकी जान चली गई। इट्स अ प्रिटी गुड फिल्म, स्लो बर्निंग, बट इसका इम्पैक्ट काफी डीप है। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।